खोराबार थाने की पुलिस ने सहारा स्टेट में हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सुबह 10:30 बजे न्यू यमन सहारा स्टेट में किराए पर रहने वाले गौरव सिंह पुत्र सत्यवान सिंह निवासी बरवल माफी थाना खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा परिसर में दो नाली बंदूक से कॉलोनी में घूम घूम कर हवाई फायरिंग करके दहशत का माहौल कर रहा था, जिसके संबंध में खोराबार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो नाली बंदूक 6 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने गोली चलाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, उप निरीक्षक रिजवान अहमद, कांस्टेबल राहुल यादव, राघवेंद्र दुबे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, डबल बैरल मिल गई है, पिस्टल की भी संभावना है। ये रात से फायर कर रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर में खेत में जाके फायर कर रही है। ये इनकी दशा है, कहाँ रहने वाला है ये, कहाँ रहे कुछ नहीं पता। ये हमारे घर के ठीक सामने किराए पे रहता है, किसी और के मकान में क्यों भाई। इसकी एक बीवी है और बहुत सुंदर सी बच्ची है। नहीं है तू तो बाकी है, किसी को आने जाने नहीं दे रहा, घर के बाहर डॉक्टर साहब के घर में अरे पर बैठे जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत सहारा स्टेट कॉलोनी में एक गौरव सिंह व्यक्ति द्वारा फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर जाकर फायर किए गए 6 खोखे एवं दो नाली बंदूक को बरामद किया है एवं उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जिस व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कार्य की गई है। किन कारणों से फायरिंग हुई है और उसका क्या उद्देश्य था, उसकी पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।